बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम काश्तकार दोस्तों को आज के व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे होंगे कि मुंजी की फसल जब हमारी पकने वाली है तो बहुत से काश्तकार दोस्त बातें कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुंजी की फसल है उसके ऊपर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का हमला हो चुका है, जिसे हम BLB कहते हैं। बात यह है कि कुछ चीजें होती हैं इंसान को समझने वाली थोड़ी सी। ये देखें, जब हमारी मुंजी की फसल पकने लगती है तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा झंडे वाला पत्ता होता है, जो वो फ्लैग लीफ होता है, जो ही मुंजी की फसल पकने लगती है, मुंजर का कलर पीला होने लगता है, यानी मुंजर पकने लगता है, तो आपका जो ये फ्लैग लीफ है, ऐसे समझे इसकी भी उम्र पूरी हो जाती है। ये भी फिर ऊपर से थोड़ा जलना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा लाल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये भी पकना स्टार्ट हो जाता है। आजकल बहुत से दोस्त, खासतौर पर मेरे माजरत के साथ जो पेस्टिसाइड कंपनियों में जॉब करते हैं, वो मुख्तलिफ दोस्तों को जब उनकी फसल पक गई है, यानी एक हफ्ते के बाद उसकी कटिंग होनी है, तो वो उससे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए स्प्रे करवा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि हम जो भी फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, जो उसका रिजल्ट स्टार्ट होता है वो पांचवें छठे दिन जाके स्टार्ट होता है। अगर आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो पांचवें छठे दिन बाद जाके ऐसा ऐसा आना स्टार्ट होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, कहते हैं ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे BLB कहते हैं, उसका हमला हो गया, इसे जल्दी जल्दी आप स्प्रे करें। आपको जैसे कि पता है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो फंजीसाइड है वो की जाती है, जैसा कि कसोगा मैसिन है, वो अरिस्टा की कासोमिन के नाम से भी है। इस तरह हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करते हैं, कॉपर सल्फेट करते हैं, इस तरह उसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे करते हैं। लेकिन मेरी तमाम काश्तकारों को ये है कि जब उनका मुंजर पीला होना स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से पत्ता भी पीला होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। वो आपके फ्लैग लीफ की उम्र भी पूरी हो रही है। ये देखें, अब ये मुंजर सब्ज है, थोड़ा साथ से दिखाएं दोस्तों को, मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट कर दिखाता हूँ। ये मुंजर सब्ज है, ये देखें इसका जो झंडे का पत्ता है ये सब्ज है बिल्कुल। अब आपको इधर है ये दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये मुंजर पीले हो रहे हैं। देखें ये मुंजर जो पीला हुआ है, इसका पत्ता भी पीला हो रहा है। आप दोस्तों को ये चीज समझनी चाहिए कि जो ही आपका मुंजर पीला होगा तो उसके साथ फ्लैग लीफ पत्ता भी ऊपर वाला पीला होगा। इसके लिए आपको कोई फंगस की स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पांच छह दिन बाद, तो अगर आपका पीला होगा पांच छह दिन बाद, तो आपने अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करनी होती है। खुदारा जो हमारे पैसे कंपनी वाले हैं, वो काश्तकार दोस्तों का कुछ ध्यान किया करें, उन्हें जो स्प्रे बनती है वो करवाया करें, एक्स्ट्रा उनके ऊपर बर्डन स्प्रे का ना डाला करें। अपने टारगेट के हसूल के लिए आप अपने काश्तकारों को मुख्तलिफ फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, ये भी बहुत ज्यादती वाली बात होती है। आप तमाम दोस्त इस चीज का ध्यान किया करें, जो ही ये पत्ता पीला होगा तो जो ऊपर वाला ये मुंजर के पीले होने से पत्ता ही पीला होगा, आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर लाजमी कीजिएगा। वस्सलाम।